कीरत आ की किता तू तेन दिखता नहीं आ पानी डोलता पानी डोलता की करा मैं तेरा मैं समझ नहीं आती हाँ उठ रुक ना मुंडा ना मैंने बहुत परेशान कर दे कितने चला गया हूं कितने चला गया है चलो बाहर तू ना मैं दस दी चल चल घरे तो तू टिकदा नहीं तू गुरुद्वारे आके भी नहीं टिकदा कितने गया सी जब मैं अंदर सी तू बाहर की करन गया बोल बोल क्यों नहीं रहा हूं ना बच्चे इस तरह नहीं मारी ना बच्चे नू बच्चे दौड़ा कर दी होंगे ने हर कोई बच्चा कर ले इना ना डांटिया करो रब का रूप होंगे ने बच्चे बच्चे शरारत करते होंगे ने पुत बड़ा होके आपे सियाना हो जूगा ठीक हो जूगा या तू भी मम्मी नू तंग ना करया कर शरारत घट करया करो है सियाना बनो हाँ जी ठीक है बाबा जी अगे तो नहीं मार दी समझ गया ना हुन बाबा जी ने की समझाया नग्गे तो शरारत नहीं करनी समझ गया चल हुन सीधा होके करे सॉरी मम्मा अगे तो नहीं मैं करता शरारत ठीक है चल साइकिल चक अपना चलिए कर हुन आराम ना चलाई साइकिल ठीक है चल बैठ के चलाओ साइकिल खड़े होके नहीं चलाना की कहा मैं यस वेरी गुड यार मैं भी की करा मैं घर सुना छड़ के किवें आ जा कीरत दी मां पता नहीं कित्थे चले गए नाले कागज भी आने ही पता ने यार तू समझदा क्यों नहीं कागजां तो बिना फार्म किवें भरांगे आपां उत्थे हाँ चल जो टाइम सिर आ गए फिर तो मैं आ जाऊंगा नहीं तो फिर मेरा औखा ही है चल मेरी गल सुन जे तो वह टाइम सिर आ गए फिर तो मैं अज ही आ जाऊंगा नहीं फिर आप कल चलांगे कीरत देखी अज ना तेरी रेल मैं बनवाऊं तेरे पापा नूं कह के तेरे पापा नूं दसू अज मैं भी कीरत ना उत्थे मैनूं गुरुद्वारे कल्ली नूं छड्ड के कितें लुक गया सी तैनूं पता भी है नाले भी अजकल जवाकां नूं चक के लै जांदे ने ना जे तैनूं उत्थे कोई चक के लै जांदा फिर असीं की करदे चल तू अंदर तैनूं तां मैं दादी हां पता तेरे कुट पएगी ना फिर ही सूत आएगा तू आ गए तुसी ना थोनू यही नहीं पता सीगा भी मैं सरपंची तक आ गए भर के आने ने थोड़े करके ना हुण गल कल ते चलेगी थोनू इन्ना नहीं पता भी दस के चाहिदा हुंदा जिथे चाहिदा हुंदा ले तुसी तां दे सर मैनू बोलन लग गए मैं तां आपे निकल पी पई आ मैं तां आपे परेशान आए दे तो क्यों तैनू की हो गया तू क्यों परेशान है एह जा भी की करता इहने मैं थोनू दसदी आ भी इहने अज की कीता इहदी करतूत दसदी आ अज मैं एदी करतूत तू मैनू बाद चो दसी पहला तू दस तू बिना दसे कित्थे गई सी तैनू ए नहीं पता अज सरपंच दे फार्म भरने सी मैं थोनू बिना दसे नहीं गई मैं थोनू बहुत फोन करे सी थोड़ा फोन नहीं लग रहा सीगा मेरा फोन साइलेंट ते सीगा उस तो बाद मैं तैनू बैक कॉल करी तू कड़ा चक्या ते मैं कड़ा अपना फोन लेके गई हां मेरा फोन तो घर है या फिर फोन रखे ही क्यों है कोले जे फोन चकना ही नहीं तुसी सारीयां गल्लां छड्डो पहला तुसी मेरी गल सुनो वी आ थोड़ा नवाबजादे ने की कीता अज की कीता मैं अज गुरुद्वारा साहब मत्था टेक रही सीगी ते जदों मैं मत्था टेक के उठी तो यह पता नहीं कित्थे सीगा कित्थे सीगा उदों मैं सारे गुरुद्वारा साहब इहनूं लभ लिया ये पता नहीं कित्थे भज गया सी मैनूं छड्ड के तू की कर रही सीगी ध्यान रख लिया कर फिर
मैं उस टाइम अरदास कर रही थी, मैं अखा बंद करके बैठी सी, ते मेरे को खड़ा सी, मैं तो पता ही नहीं लग्या भी कदों मेरे को बाहर निकल गया। कदे वास्ते गया सी, की कह रहा सीगा? मैं तो इन्ना पता सिर्फ भी जो मैं उठी हूँ उतों मैं इनू देखिया ये मेरे को है नहीं सी, और जो मैं बाहर सारे गुरुद्वारा साहब जिस लभ्या यह मैनू कितने नहीं मिले। मैं इन्नी टेंशन हो गई, इन्नी टेंशन हो गई, उस तो बाद आके मैं जफ्फी पा के कहना मम्मी थप्पा उत्ते खे उत्ते लुकड़ मिची खेडन गया सी। पूछो इनू दस ओए तू मत्था टेकन गया सीगा लुकड़ मिची खेडन गया सीगा? ओह गुरुद्वारा साहब है, लुकड़ मिची खेडन जगह थोड़ी है ओह। नाले थोनू पता भी है भी अजकल जवाकों नू मिंट च चक्के लै जांदे ने, जे इनू कोई चक्के लै जांदा फिर आपां की करदे? बोलदा नहीं हूं चुप करके बह गया, खेडन गया सी मत्था टेकन गया सी उत्थे। चलो ठीक है मैं मानती हाँ घरे शरारता करता, पर हर टाइम मैं कोले तां हुन्नी आ, मैनू पता हुंदा भी घर च है बाहर किते नहीं हैगा, पर उत्थे थोनू पता गुरुद्वारा साहब किन्ना वड्डा है। हाँ। जे गेट खोल के बाहर चला जांदा ऐसा सड़क नहीं चलदी है नाले, ओह हुण बैठा चुप करके, तेरा तो मजाक है पुत, मजाक भारी पै जांदे ने कदे कदे, समझिया? बोल। बहुत परेशान किया पे ने, मैनू समझ नहीं आ रही मैं तो की करा, मेरा तो ना जी ए करता भी मैं ना इनू किसी होस्टल च पा दा ताकि ये उत्थों सुधर के ही आवे, क्योंकि होस्टल दे विच बच्चे जो चले जाते हैं ना तो उत्थों सुधर के ही आते ने। अजकल होस्टल कड़ा घट ने, आप एक काम करते हैं अपने इनू होस्टल च पा दें, उस तो बाद शरारत भी नहीं करूगा कोई। सही गल है। हाँ, और उत्थे बच्चों नू इन्ना कुटदे ने, इन्ना कुटदे ने ना जिहड़े बच्चे शरारत करदे ने, बस मैं कहनी मैं थानू दस ही नहीं सकदी, फिर इह रोके अपने कोल भी नहीं आ सकदा। हाँ। मम्मी मम्मी पापा पापा मैनू कुटिया, सॉरी मम्मा सॉरी पापा, तुसीं ना मैनू हॉस्टल ना भेजो, मैं अगे तो शरारत नहीं करदा। ओए तां तू होर कहना पर फिर तू शरारत करन लग जांदा, इस बार तैनू हॉस्टल भेज के रहांगे, तू कर दे कपड़े पैक कर, बैग पैक कर दे, वो भेज दे इनू। हां हां अज दा इनू भेजना ही भेजना आपा जरूर, बस एदा पटका खोलदा मैं ते सिर ते दे बन के रुमाल, फिर आपा इनू भेजांगे अज होस्टल दा बैग पैक करके, उथे टाइम ते सोना पैंदा टाइम ते उठना पैंदा, हां बाजी थोड़ी चलदी है, ठीक है शरारत शरारत ते नहीं याद रहनी उथे, समझे? चलो पैकिंग करिए हुन, हुन किरत जाऊगा होस्टल, बहुत शरारत कर ली तू करे। की हो गया हुन सुनो की बह गया? बोल मम्मी बुला रही है, बोल। अच्छा ठीक है नहीं भेज दे, पर अगे तो शरारत नहीं करनी बिल्कुल भी, समझ गए? सुन गया ना बाबा जी ने उत्थे कहा सी ना कि सियाने बनो शरारत नहीं करनी, कहा सी ना? नहीं करेगा ना अगे तो? पक्का? चल एक काम कर, हुन ना इहदा फेवरेट दलिया बना लिया, खाएगा ना दलिया? खाएगा? चल जा बना लिया। चल ठीक है आ जा आपां टीवी देखदे हुंदे, रिमोट फड़ाई जांदी हुई। ठीक है चलो आ गया दलिया, उधर हो जा मेरा ये। लबतु दलिया खा ला, खवावा? खवा दे खवा दे, ले दलिया खा ले। मैं नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा। खा ले थोड़ा जा तो खा ले बस। क्यों मां प्लीज मैं खाना नहीं। खा ले थोड़ा जा तो खा ले, ऐसा कर मां प्लीज। खाना क्यों नहीं दस तो सही, बोलता ही नहीं, पापा की पूछ रहे ने दस, चल ले थोड़ा जा खा ले, खा ले। चल आने बाजू खा लो, उधर रख दे ले, बाजू खा लेगा ना, बाजू तो खा लेगा। इनू की हो गया, ये बोलता क्यों नहीं, शांत शांत हो बैठा करता? मैं लगता आप होस्टल जाने बारे गल करी सी ना, ये तो यह डर गया ता नहीं बोल रहा। लै डरने वाली कि गल है, आप उस तो बाद ये भी तो कहता सी चल नहीं भेजा होस्टल, फिर डरना क्यों?
ਕਿਰਤ ਬੋਲ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਨ ਕਿਰਤ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ ਲੈ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੇਡਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਲਾ ਫੜ ਫੋਨ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਰ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫੜੋ ਦੇਖੋ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਤ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਲਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਮਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਖੇਡੂੰਗਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਚਲਾਈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ